और अब आगे बढ़ते हैं। मिशन 224 को लेकर बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने मुसलमान वोटर्स को जोड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया है। होली के बाद बीजेपी मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी एक देश एक डीएनए का नारा बुलंद करेगी। ...2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मुस्लिम वोटर को लुभाने की रणनीति बना ली है। इस बार एक देश एक डीएनए से अल्पसंख्यकों में पैठ बनाएगी बीजेपी। 15 मार्च से 22 मार्च के बीच देश भर में आयोजन की तैयारी हो रही है। बीजेपी ये सम्मेलन यूपी के मुजफ्फरनगर में करेगी, जहां 1,00,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। यूपी में बीजेपी हमेशा से ही मिशन 80 की बात करती रही है। मिशन 80 मतलब क्लीन स्वीप। यूपी में अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए पार्टी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने उन जगहों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। पार्टी मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोगों को तलाशेगी जो मोदी सरकार के संदेश को सबसे अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए। अगर मैं सामाजिक ताने बाने की बात करूं तो मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट, गुजर और त्यागी समाज की बड़ी संख्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा में है, क्योंकि चुनाव का बिगुल है और मोदी जी के आह्वान पर जो इसने मिलन जिन्होंने लगातार बात की, पसमंदाओं से मिलने की, लोगों के बीच जाने की, लाभार्थियों के बीच जाने की, उसी के तहत एक बड़ा एक ताना बाना है। इससे पहले बीजेपी पूरे यूपी में पसमांदा सम्मेलन के जरिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर चुकी है। माना जाता है कि इसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। अब 2024 के लिए एक देश एक डीएनए से अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा एक बड़ा दांव करने जा रहा है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इसने मिलन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें एक मंच पर तमाम अलग अलग जाति के बड़े नेता शामिल होंगे। करीब 1,00,000 की भीड़ जुटाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ट्रंप कार्ड खेलने वाली है। अब तक मुस्लिम समुदाय बीजेपी से दूर रहा है। बीजेपी जानती है कि अगर वो इस समुदाय को भी अपने साथ जोड़ ले तो इसके लिए आगे का रास्ता और आसान हो जाएगा। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि मुस्लिम समाज बीजेपी से जुड़ने में कितनी दिलचस्पी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।